नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन एक बहुत सीरियस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को श्री भगवद्गीता की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था। ये वीडियो मैं इसी दिन लाऊं, इसके पीछे कारण है। कारण वो ये है क्योंकि हमारी गीता हमें कर्म सिद्धांत सिखाती है, कर्म करना सिखाती है, पुरुषार्थ सिखाती है, भाग्यवाद से हट करके जीवन को सार्थकता की ओर बढ़ाने का प्रयास करती है। उसी विषय में हम आज बात करने वाले हैं। एक है मेंटलिज्म, एक है सुपरस्टिशन, या मेंटलिज्म वर्सेस सुपरस्टिशन। कि कोरोना वायरस हो जा चुका है, और उसके बाद कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस आ गया है, पर्चा वायरस, जो लोगों के जीवन का कर्म सिद्धांत पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है। सब अंधविश्वासी हुए जा रहे हैं, सब भाग्यवादी हो रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ करें ना, बस किसी से जाके पूछ लें और हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। पर एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। सो ये है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म में हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग ऑफ बॉडी, मसल लैंग्वेज, मैनिपुलेशन, इंटेलिजन एंड कोल्ड रीडिंग, ये जो आयाम है इन्हीं पे पूरा मेंटलिज्म काम करता है। जितने भी मेंटलिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी के बारे में इन्हीं चीज़ों के आधार पे कुछ भी बताते हैं, बिना उससे मिले, बिना उसके बारे में जाने समझे। और एक है सुपरस्टिशन, जो प्रेजेंट में हमारे सोसाइटी में चल रहा है। मैं तो नाम लेने से बचता हूँ, पर नाम लेना मेरी मजबूरी हो गई है, और उनमें मैं रखना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा बागेश्वर महाराज, दूसरे हैं पंडोखर महाराज। मतलब इन लोगों ने तो हद कर रखी है। मेंटलिज्म को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि पूरा ये जो चमत्कार लगने लगा है, ऐसा लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, जो जो सिर्फ ईश्वरी कृपा के बाद ही सीख सकता है। और इन 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 सब करतब दिखाने के बदौलत लोग उन्हें मानने लगे हैं कि एक डिवाइन पर्सन है। इनसे हम कुछ भी बात करेंगे या मन में रख के जाएंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन सब का हमें ये एग्जैक्ट सोल्यूशन दे देंगे। पर एग्जैक्टली में ऐसा है नहीं। और मैं कुछ साक्ष्यों को रखना चाहूँगा आप सभी के सामने कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इन्हीं आयामों पर निर्धारित होती हैं। और अगर इस पे जिसे खेलना आ गया, वो सम्मान विज्ञानी बन सकता है, वो अपने आप को त्रिकालदर्शी कहने लगते हैं कुछ लोग, पर त्रिकालदर्शी अलग होते नहीं हैं, अपने आप को सिद्ध पुरुष कहने लगते हैं, पर इसका सिद्धि से कोई लेना देना ही नहीं है। नथिंग, 0/0, जिसे आप सिद्धि कहते हैं ना, वो सिद्धि नहीं है, वो दरअसल में 0/0 है, नथिंग। बुक है जेम्स बॉन्ड कोल्ड रीडिंग, जूलियन मूर ने लिखी है। तो इस बुक में ये बताया गया है कि भीड़ में किसी भी व्यक्ति पे आप टारगेट करके उसके बाद उससे बिना मिले उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, और जय जयकार अपने लगवा सकते हैं उस सिद्धांत के बदौलत। एक ऐसी बुक है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, कौन क्या कहना चाहता है पहले से जानकारी हो जाती है। इसका इसमें पूरी तरह से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पूरा एक्सप्लेन किया गया है जो नेहरू ने। और एक है द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हमारा बैठने का तरीका, बोलचाल करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन किस स्टेट में चल रहा है। और अगर उसका पता लगा लें तो उसको हम खेल सकते हैं। सब जितने भी मेंटलिस्ट हैं वो इन तीन बुक को बहुत प्रेफर करते हैं। मतलब कह सकते हैं ये शीर्ष है साइकोलॉजी में। अगर किसी के मेंटेलिटी के साथ खेलना है तो इन तीन किताबों को पढ़ करके खेल सकता है, जैसे आज चल रहा है टीवियों में देख रहे हैं। कुछ बुक्स का मैं और नाम आप जिक्र करना चाहूंगा। एक है प्योर डिवाइन है, 13 स्टेप ऑफ मेंटलिस्ट है। इससे तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या सोचने वाला है और क्या करेगा। और इन सबको लेकर के बाकायदा बढ़िया सभा लगाएंगे। सभा लगाने के बाद बीच से खड़े करके बुला लेंगे, और उनकी कुछ जानकारी पहले से उनके पास होती है, और उसके आधार पे वो उन सब
सब चीजों को प्रस्तुत करेंगे, ऐसा लगेगा कि एक बस एकदम डिवाइन पर्सन है, कोई एक्स गॉड कोई करके है, बस उनको बता रहा है। मतलब हद तो तब पार हो गई जब लोग कह देते हैं कि हमारे इस जगह पे एक नदी बह रही है और इसकी तुलना तो गंगा नदी से कर देते हैं। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ MPPSC की, पर मैंने इस नदी का नाम कहीं नहीं सुना। मतलब अगर ऐसा कुछ होता कि गंगा रिवर जैसी हर सेंस रफ से प्योरीफाइड वाटर अगर उसमें होता तो उसकी तो जिक्र उसमें जरूर बुक्स में होता। तो उस रिवर का वाटर को बना करके प्रेजेंट करते हैं कि आप आइए और इन सब चीज़ों के माध्यम से जो कुछ भी हम बताएंगे और उसके बाद जब आप उस रिवर में जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अपने यहाँ MP में चित्रकूट धाम है, MP UP के बॉर्डर में, वहाँ मतलब मैंने सुना है ऐसा कि अमावस्या की परंपरा है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें चुराई उन्होंने चुराई और कुछ मेंटलिस्ट की चीज़ों को हम रखेंगे जिससे हम लोगों के बारे में जान सकें। कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे कि जैसे गंगा जल की प्रथा हमारे ही है हमारे समाज में, कि गंगा जल हर काम में जरूरी है, उस लोग अपने उस नदी को रख दिए। और तीसरा उस चित्रकूट से निकाल जाए कि हर अमावस्या को हम बुलाएंगे आपको और इन सब चीज़ों के आधार पे जो हम बातें आपको बताएंगे उनका सलूशन आपको तभी मिलेगा जब हमारे उन पर आएंगे। और मजे की बात तो ये है कि लोग मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं लोग ना, पंडोखर है ये, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनके जाने से बचें, ये कोई डिवाइन पर्सन नहीं है, ये नथिंग 0/0 है। सिर्फ इन सब चीज़ों का इन लोगों ने अध्ययन करके इस विज्ञान को वेद से मिला दिया है कि वेदों में ऐसी चीज़ें वर्णित हैं, उन सबकी तपस्या सिद्धि करके हमने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं और हम लोगों के बारे में बताएंगे, लोगों का सोल्यूशन बताएंगे और उनके लाइफ को जितना अच्छा से अच्छा उसका अच्छा बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचें और आप लोग खुद अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उन उसको आप पढ़ें, इनसे आप लोग खुद बहुत सारी चीज़ों की अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो आज हमारे श्रीमद्भगवद्गीता की जयंती है, अगर उसी को पढ़ लें तो हमें किसी भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आप सभी जागरूक बने, सतर्क बने और विज्ञान से अपने आप को खरा उतारने का सोचिए, अंधविश्वास पे नहीं। धन्यवाद।